तो हाय गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी है मुझे खूब सारे काम घर के, तो अभी मैं थोड़ी जाल है वो भी निकालूंगी, धूल बहुत हो चुकी है घर में, साफ सफाई भी करूंगी जल्दी जल्दी से। कुलदीप गया उसके डैडा के साथ बाहर, उसको चाहिए बंदूक खेलने की, तो उन्होंने दिलाने गए हैं उससे। देखेंगे अब आने के बाद देखेंगे कैसे लाते हैं बंदूक खेलने के लिए। रो रो के गया है, अभी देखेंगे आएंगे अभी थोड़ी देर में। तब तक मैं कुछ कुछ काम निपटा लूँगी जल्दी से, फिर खाना भी बनाना है, सारे काम निपटा लूँगी। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आ चुकी हूँ मैं यहाँ साफ सफाई करने, तो मैं पहले सब सेटल कर लूँगी, फिर जाले झूले निकालना स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं पहले है ना सब जाले निकाल देती हूँ ऊपर से सारे कोने खाने के। बहुत टाइम होगा ना, मैं लंबे समय होगा क्योंकि साफ सफाई करी नहीं, मेरी भी तबीयत तो ख़राब थी और इधर उधर जाना भी पड़ रहा था अचानक, इसलिए मेरी साफ सफाई रही जा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज है ना साफ करूँगी और आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी मैं साफ सफाई किस तरह करती हूँ ये रूम की। तो भी अभी पूरी तरीके से इस रूम की साफ़ सफाई नहीं हुई है, मेन मेन ही मैंने साफ किया है, ऊपर ऊपर के मेन फिर जाले निकालना, नहीं तो नीचे तो कंटिन्यू अपन हाथ मारते ही रहते, नीचे साफ होते ही रहता है, ऊपर का ही थोड़ा मेन होता है साफ सफाई करना। तो इसीलिए मैं पहले ना ये सब साफ कर लूँगी, इधर से सारे एक एक चीज़ है ना साफ करके रख दूँगी जिधर उधर, क्योंकि कपड़े भी बहुत हो चुके हैं, बारिश भी कंटिन्यू गिर रही है, उससे क्या हो रहा चिक्कड़ चिक्कड़ हो जा रहा है सब, इसीलिए मैंने सोचा ये वाली रूम को मैं साफ कर लूँ जल्दी जल्दी से। फिर आगे का किचन तो बहुत ज़्यादा ही है, किचन में हद से ज़्यादा पसारा है, ये वाली रूम में तो भी नहीं है इतना पसारा। तो कैसा बैठते करते कोई भी अचानक आ जाते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बोली इस रूम की तो साफ सफाई कर लूँ, किचन की तो मैं करूँगी तब करूँगी, जल्द से जल्द मैं किचन की भी साफ सफाई करूँगी, वो भी मैं आपको है ना शेयर करूँगी ब्लॉग। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो मैं ये सारी कुलदीप की दवाई जो काम की रख रही हूँ ना तो सब फेंक दे रही हूँ, कुछ काम की नहीं है, जो मैं अंदर डाल दूँगी। बाकी का जो अंदर का कांच वो है तो मैंने कुछ टाइम पहले साफ किया था, खाली एक बार सब सेटल करके लगाना है बस मुझे, बाकी सब तो हो चुका है। अब यहाँ नीचे भी बहुत गंदा हो चुका है, यहाँ पे भी साफ़ कर लूँगी। कैसा हवा वो चल रही ना तो डायरेक्ट दरवाज़ा खुला रहा कि डायरेक्ट मशीन की तरफ से हवा पूरा नीचे चल जा रहा है, कचरा पूरा इतनी तेज़ हवा चल रही है। और अभी घी चावल भी आ चुके हैं, मुझे घी भी साफ करना है अभी, एक दिन में करूँगी। तो कुलदीप ने ला लिया है अपनी बंदूक, कुछ डाडा के साथ आप किसको गोली मारते, मम्मा को मार दे लो, ये बाकी नहीं करो, एक ही खेलो चलो। तो अब मैं यहाँ झाड़ू मारने आ चुकी हूँ, मुझे कुछ काम से रुक जाना पड़ा, कुलदीप के डैड आ गए थे, अब मैं निपटा लूँगी इतना जल्दी से, डायरेक्ट अब झाड़ू मार लूँगी, सारा क्लीन कर लूँगी अब रूम, कितना भी समेट के रखो थोड़ी देर के बाद ये वैसी कर देता है, सब खिलौने बिखर के रख दे रहा। तो एक कुर्सी पे भी कपड़े वो हो चुके, वो भी उठा के रख दूँगी, खाली हो जाएगी कुर्सी बैठने करने को, बारिश हो गिरी की कपड़े उधर ही एकदम जल्दी से रख देते हैं। यहाँ मैं कुलदीप को थोड़ा डांट रही हूँ क्योंकि वो जो गाड़ी है वो इधर उधर चले जाने के बाद क्या काम का, फिर वो बंदूक वैसी पड़े रहती, फिर तोड़ ताड़ी वो बंदूक की चालू हो जाती, तो मैं उसे खेल रही हूँ थोड़ा हल्लू खेले वहाँ का वहीं उतने में फेंकना गाड़ी में बंदूक की गोली इसके, तो ये इधर उधर मस्ती कर रहा है चालू इसकी मस्ती भी। तो मैं उसको डांट के ऊपर बिठा रही हूँ, मेरे को झाड़ू मार रहा है, लेकिन ये बीच बीच में ऐसे ही करते रहेगा।
थोड़ा ड्रेसिंग टेबल भी मैं साफ कर लूंगी ऊपर से नीचे तक अच्छे से, वो भी बहुत गंदा हो चुका है। तो गाइस सारे जाले झूले सब निकल चुके हैं, सब बेडो धूल वो सब निकल गई है। यहाँ बेडशीट डाल दी है और ये है कुलदीप की नई वाली गन जो आज लेकर आया है कुलदीप जाकर। इसके साथ तीन ऐसे काड़िया मिले हैं, एक ठीक मुंह में डालना इस तरह से, नहीं होना कुछ भी, आया होगा गाड़ा गली में। तो ये सब साफ हो चुका है ऊपर का एरिया, वो भी सब जाले झूले सब निकल गए हैं, झाड़ू भी मार दिए हैं, अब सिर्फ पोछा मारना है। 250 रुपये पहले सब्जी लेकर आती हूँ जाकर, फिर आकर ये बाकी का सारा काम करूँगी। चल पापा चप्पल पहन जाएंगे, सब्जी लेकर आए फिर बाद में जाके आ रही हूँ, पीछे गली में जा रही हूँ मैं आंटी का। गोली मारे है, अच्छा चलो। तो गाइस आधे घंटे में मेरा इतना काम हो चुका है, ये रूम पूरी साफ हो चुकी है, जाले जुले सब निकल गए हैं। तो अभी मैं जाकर सब्जी लेकर आऊंगी गली में से, पीछे गली में गाड़ा आता है वहां से। तो मिलेंगे है ना गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। कल जब मैं किचन साफ करूंगी उसका पूरा वीडियो डालूंगी कि किचन कैसे इजी तरीके से साफ करते हैं, कैसे अपने किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो सब वो टिप भी दूंगी कैसे इजीली साफ करेंगे वो भी बताऊंगी। मैं मेरा कल किचन साफ करूंगी, वो वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए गाइस, जल्दी से जल्दी जाइए बेल आइकन दबा दीजिए। बाय बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।